सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के समय में बालों की समस्या सबसे बड़ी होती जा रही है। हर तीसरा व्यक्ति बालों की किसी न किसी समस्या से जुड़ रहा है। किसी को बालों के झड़ने की समस्या है, किसी को बालों के सफ़ेद हो जाने की समस्या है, किसी को नए बाल उगाने की या फिर कोई गंजेपन से परेशान है, किसी को बालों में रूसी की समस्या भी है, तो किसी को बाल लंबे नहीं हो रहे। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी समस्याओं के कारण आजकल हम सब जुड़ रहे हैं, इसके अंदर उससे उनसे जुड़े जा रहे हैं, यानी कि ऐसी समस्या हर किसी को सता रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल, जो आता है एक ब्रांडेड कंपनी का, बहुत अच्छा है। इसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी आपको, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है और इसका जो शेप है जो एक प्रकार का कंघी के साथ जो आती है, ऐसा क्यों बनाया गया कंपनी ने, इसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बोतल जो इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल, जो कंपनी की बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी कि बहुत ब्रांडेड कंपनी है इसकी, ये बनाती है और ये 100 ml की बोतल पैक में आती है, जिसकी MRP है 432 रुपये। तो दोस्तों, ये बाज़ार में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इसकी एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स की। तो दोस्तों, इसके अंदर कुमारी है, द्राक्षा, श्वेत कुतज्जा, ब्रिंगा है, अमल की है, अमृतिका, वटाटा, कैदरिया, यष्ठी, निम्बा, ब्राह्मी, नीलकेरा, कर्पूरा, नीलकेरा और क्षीराम। तो दोस्तों, ये सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से मिली हुई है। दोस्तों, ये आम तेल नहीं है, खास करके आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के अंदर जो ग्रुप में आता है, जो एक प्रकार का खास ऑयल है। और ये आमतौर पर जो ऑयल मिलते हैं बाजार में, ऐसा नहीं है, अलग से खास प्रॉब्लम है, जो समस्या है जो होती है हेयरफॉल की, इसके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपको इसको खोलते तो कैसा आपको दिखता है, ये कंघी के साथ इसका जो ढक्कन है, कंघी के साथ कंपनी ने बनाया है। तो दोस्तों, इसके पीछे का अगर जो राज बताए तो क्यों कंपनी ने ऐसा बनाया, तो इसकी अगर दोस्तों बात करूं तो मैं, तो दोस्तों आमतौर पर जो हम जो ऑयल यूज़ करते हैं, तो हमने देखा है कि उसको यूज़ करने के लिए हम उसको हथेली में लेते हैं पहले, उसके बाद में हथेली से रगड़ने के बाद अपने सर पर लगाते हैं। तो दोस्तों, देखा होगा कि 10% या 20% तक का ऑयल जो हमारे हथेली में स्प्रेड हो जाती है, यानी कि वो वहाँ पे ही खत्म हो जाता है, उसके बाद में सर पर लेते हैं तो सर पर जो उसके जड़ों तक जाना चाहिए ऑयल, वो जड़ों तक जाता नहीं, सिर्फ बालों पर चमक देता है, यानी कि बालों पर ही ऊपर लगता है, लेकिन जड़ों तक जो जाना चाहिए वो जाता नहीं। और इसके कारण ही कंपनी ने इस प्रकार का पैकिंग बनाया, ताकि इसके अंदर यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट जो जड़ें होती है बालों की, वहाँ तक ये ऑयल डायरेक्ट वहाँ पर जाता है, वहाँ पर उसको इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हेयर फॉल की। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, हेयर फॉल का जो कारण है कि क्यों हेयर फॉल होता है, उनके कारण की अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे पहला है पूर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि सर पर या कि खोपड़ी पर सर्कुलेशन अगर ब्लड का सही तरह से नहीं हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आप सही तरह के जो प्रोटीन सबर जो खुराक होता है वो अगर नहीं ले रहे हैं, यानी कि अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में ड्रग्स, यानी कि कोई आप मेडिसिन ले रही है किसी भी प्रकार की, तो उसके साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में दोस्तों, प्रेगनेंसी के दरमियान भी हेयरफॉल हो सकता है। और उसके अलावा दोस्तों, प्रदूषण है जो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा दोस्तों, बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायरॉयड की जिसको समस्या है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में एलर्जी भी किसी को होती है तो भी होता है, स्ट्रेस भी है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों, बात करें पूर्ति आप नींद नहीं लेते तो भी ये हेयरफॉल की समस्या हो सकती है। तो इन सब कारणों के कारण हो सकता है हेयरफॉल की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कुछ न्यूट्रिशन है वो सब हम अच्छी तरह से करते हैं तो ये भी कम हो सकती है। स्ट्रेस है तो उसको भी हमें स्ट्रेस से मुक्त रहना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज भी करना चाहिए और पूर्ति नींद लेना चाहिए। तो ये अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन में जैसे कि इन्फेक्शन है या फिर ड्रग के कारण हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमको ऐसे तेलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ये जो इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल है इसके बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छी प्लास्टिक बोतल में आता है, और इसके अंदर जो कंघी लगी हुई, इसको अगर खोलते हैं हम देखते हैं तो इसके अंदर एक प्रकार का ऑयल जो एकदम, इसकी जो स्मेल देखे तो एकदम स्ट्रांग इसकी है। अगर आपको किसी को पसंद भी नहीं आती है इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि इसकी स्मेल आती रहती है तेल लगाने के बाद। तो दोस्तों, इस्तेमाल करने की अगर बात करें तो दोस्तों, एक ढक्कन खोलकर इसके अंदर आपको एक छोटा सा होल करना है, उसके बाद में ये कंघी लगा देना है, और सीधी तरह से आपको इसको अगर थोड़ा सा हिलाकर अगर बालों पर करेंगे इस प्रकार से, तो दोस्तों कम्प्लीटली जो यहाँ से बूंदे निकल कर ऑयल की बूंदे डायरेक्ट आपकी जो खोपड़ी है वहाँ पर बालों की, यानी कि जड़ों तक ये सीधा जाएगा और वहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसको दोस्तों आपको सर पर, बालों पर नहीं लगाना है, सिर्फ खोपड़ी पर जाए इस प्रकार से लगाना है। उसके लगाने के बाद दोस्तों, आपको इसको मसाज करना है
अपनी उंगलियों से मसाज करोगे ताकि जो ऑयल है वो कम्प्लीटली अंदर जो खोपड़ी है वहाँ पर स्प्रेड हो जाए एकदम और एब्जॉर्ब हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से लगाना है, खास ध्यान रखना है कि बालों पर इसको नहीं लगाना है। और दोस्तों अब बात करें कि इसको कब लगाना है, सप्ताह में। तो दोस्तों अगर आपकी हेयर फॉल ज़्यादा हो रही है यानी कि, तो आपको इसको ऑल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़कर आप इसको लगा सकते हैं। अगर रेगुलर, अगर नॉर्मल जैसा है अगर हेयर फॉल, तो दोस्तों आप सप्ताह में 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कब करना है, तो दोस्तों रात को सोते वक्त इसको यूज़ करना है और सुबह आपको किसी भी आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बाल धो देने हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको हो सके तो रात को ही यूज़ करना है। और एकदम लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाज कर दीजिए और फिर सो जाइए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको उपयोग करना है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसके नुकसान की यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है। तो दोस्तों वैसे तो ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, तो इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स वैसे नहीं होगी, लेकिन किसी को अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो हो सकता है, किसी को इचिंग जैसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लें, बाद में इसका यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात करें तो ये पैकिंग इस प्रकार से बनाया है, कंघी के साथ बनाया है। तो दोस्तों ये बार बार लगाते हैं तो पूरी बोतलें तेल वाली हो जाती है यानी कि ऑयली हो जाती है, तो थोड़ा चिपचिपाहट जैसा होता है इसके अंदर। और दूसरी बात करें तो इसको हम ट्रैवलिंग में ले जाते हैं यानी कि पर्स में रखते तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लीक हो सकता है ऊपर से डायरेक्ट। तो ऐसी कुछ समस्या के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कंपनी अगर कुछ सॉल्यूशन निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये जो ऊपर कंघी है वहाँ पर अगर कुछ कैप जैसा लगा दे इसके ऊपर भी, ताकि ये लीक ना हो, तो कुछ बेहतर होगा। तो ये कंपनी का अपना प्रश्न है अगर वो सॉल्व करे तो। लेकिन बाकी ऑल ओवर देखें तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कोई नुकसान नहीं होंगे। काफ़ी अच्छे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यानी कि कंपोजिशन बनाकर ये बनाया हुआ, ताकि ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिले। दोस्तों ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यानी कि, तो महिला पुरुष दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा है इंदुलेखा जो ब्रिंग ऑयल काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का दावा भी है कि हेयरफॉल को कम करेगा। इसके अलावा भी दोस्तों इसका रिव्यू मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है। और आप भी तो इसको यूज़ करने के बाद आपको भी पता चलेगा कि हेयरफॉल भी कम करेगा, साथ में आपके बालों की जो चमक है वो भी इसके अंदर बढ़ती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो बालों सफ़ेद होते हैं तो ये काले भी, घने भी होंगे, लंबे भी होते हैं, ये सब इसके अंदर इसके फायदे हैं इसके। दोस्तों आप यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा, काफ़ी अच्छा इफेक्टिव है, ये सब इसको बेनिफिट है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल के बारे में, पूरी जानकारी दी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ कॉमेंट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।